शाकाहार से स्टार्ट हो गया, पूरे पूरे दिन से फेसबुक चलाता है, असुविधा के लिए खेद है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच से। आज हम आए हैं कोरोना पे चर्चा करने के लिए। दिल्ली के आसमान में घनघोर घटाएं छाई हुई हैं, दनादन पानी बरस रहा है, मौसम का हाल काफ़ी कुछ लोगों को खुशनुमा लगेगा, कुछ लोगों को खतरनाक लगेगा। कोरोना का भी बीच में है तो बहुत सारी भावनाएँ मिक्स हैं। उधर मास्क की भी प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को मास्क नहीं मिल रहे हैं, उधर दंगों से उबर के निकली है दिल्ली। इतनी सारी चीज़ें एक साथ घटित हो रही हैं, ऐसा शायद दिल्ली ने ऐसा मंजर ऐसा कभी नहीं देखा। पीछे चर्चा आई है यस बैंक की कि यस बैंक डूब गया है, उसके लिए सरकारें क्या कर रही हैं, बहुत सारा घाल मेल है। ऐसे एटमॉस्फियर में हम लोग शैडो कैबिनेट के अंदर से सीधा आपकी तरफ मुखातिब होकर बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर, डीएनए प्रोफेसर हैं हमारे साथ विनय सिंह जी, मैं उनका इंट्रोडक्शन करूं। उसके बाद हमारे पास सेवायोगी श्री मनीकेश जी हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास अरुण कुमार शर्मा जी हैं जो कि पर्यावरणविद हैं और समाजसेवी भी हैं, बड़े पैमाने पे काम करते हैं, और मैं मनोज सुराजी। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि कोरोना का विषय है, तो मैं शुरू करूँगा हमारे प्रोफेसर विनय कुमार जी से कि क्या है कोरोना और किस तरीके से इससे निजात मिल सकती है, और क्या ये जो पैनिक हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि कोरोना जो वायरस है वो आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस की लाइफ थोड़ा शॉर्ट होती है और बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है। और ये कोरोना वायरस चाइना के वुहान शहर में, जहाँ टेम्परेचर 1 से 5 डिग्री के बीच चल रहा है, और आपके शहर में टेम्परेचर है 25 से 30 के बीच में। तो जैसे जो सब्जियाँ ठंडी में उगती हैं गर्मी में नहीं उगती, वैसे ही हमारे इंडिया का जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी एयर में कंडीशन है, वो दोनों ही कोरोना वायरस को सूटेबल नहीं है। कहने का मतलब है कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो डीएनए के प्रोफेसर हैं वो साफ कह रहे हैं कि कोरोना आएगा लेकिन अपने मुंह की खाएगा। इसी के साथ मैं घूम रहा हूँ, थोड़ा घूमते हुए चर्चा को फिर से मैं आऊँगा प्रोफेसर साहब के पास। तो मैं अभी सेवा योगी जी के पास जाऊँगा। अध्यात्म की बात करते हैं, कुंडलिनी की बात करते हैं। अध्यात्म में क्या, कैसे इस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है? देखिए, अध्यात्म में शक्ति इतनी तगड़ी होती है कि उससे बहुत कुछ चीज़ों को दूर किया जा सकता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अंदर ही ऊर्जा है कि ये छोटी मोटी चीज़ों को नष्ट किया जा सकता है। कि जैसे अभी हमारे भारतवासी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। अभी आपने देखा, कुछ दिन पहले बड़े खुश हो रहे थे कि चलो कोरोना आएगा, लेकिन यहाँ पे तो टेम्परेचर ही इतना होता है, लेकिन प्रकृति ने क्या किया है कि कोरोना के टाइम पे ही बादल एकदम आ गए और मौसम भी चेंज हो गया और थोड़ा सा मौसम पे भी ठंडक आ गई। तो ये सब चीज़ें ऐसी कोई मायने नहीं रखती हैं कि एक रूमर, हमारे यहाँ भारत में भेड़ चाल जैसे कहते हैं ना, तो एक रूमर होती है कि अगर 2-4 लोग अगर मास्क लगा के चलेंगे तो उनको देखम देखा बहुत से लोग उसको उस पर टूट पड़ेंगे। और जब टूट पड़ते हैं तो भारत में ऐसे भी लोग हैं जो इसका व्यापार करते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं, और मतलब भेड़ चाल है आपका। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे ऐसे डरने वाली बात कोई नहीं है जितना ये भयंकर। इन्होंने चाइना में तो चलो वहाँ पे पैदा हुआ है तो वहाँ पे तो डरने की बात थी कि वहाँ पे बहुत लोग मरे भी थे, लेकिन भारत में वो अगर एकाध दो या 10-20 अगर कोई आ गए हैं बाहर से और कोरोना उनको था, कोई शिकायत थी, तो उनका सरकार वो कर रही है। लेकिन सरकार को फिर भी थोड़ा सा ऐसा कंट्रोल, ऐसी अफवाहों से कंट्रोल करना चाहिए, और कंट्रोल करके उन चीज़ों को जो उसके लिए उपयोगी हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल रेट करना चाहिए, और उन पर कुछ या तो फ्री में बांटनी चाहिए या कुछ ऐसे पब्लिक सहयोग में, जनता के सहयोग में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए। मैं आऊँगा समाज सेवी अरुण कुमार शर्मा जी के पास। अरुण जी, आप तो बहुत सारे डिबेट में रहते हैं, बहुत सारे विषयों पर बात रखते हैं अपनी, तो कोरोना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और ये कोरोना के नाम पे ये जो व्यापार हो रहा है, ये लूट हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? आज आप भी इसका शिकार हुए हैं शायद।
नहीं कि शिकार तो नहीं हुए, ऐसा मत बदनाम करो, ये कोई शब्द मत यूज करो कि शिकार हुए। लेकिन मास्क खरीदा है आपने, तो शिकार होना ही हो गया। मतलब मास्क, अरे मास्क का मतलब क्या हुआ? मास्क तो आप सावधानी है। नहीं, आपने महंगा शिकार का मतलब मेरी, आप चलिए उस शब्द को छोड़िए, आगे बढ़िए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो ये लूट मार हो रही है, जो ये बेईमानी हो रही है मास्क बेचने में, कालाबाजारी, उसका शिकार हुए हैं आप मेरे साथ। सवाल, हाँ, पहले शब्द ये है कि कोरोना, कोरोना एक वाकई में एक बीमारी है जो चिंतनीय विषय है, उसको हम हल्के से नहीं ले सकते, क्योंकि ये आज महामारी के रूप में 50 देशों में फैल चुकी है। अगर ये 50 देशों में फैल चुकी है और 3000 से अधिक लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, तो ये अफवाह नहीं है, ये एक बीमारी है और समस्या है। अच्छा, किसी समस्या को जब बिल्कुल ही हो जाए, तो इससे पहले उसको पहले निराकरण हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, जो हमारी सरकार ने अब जो एयरपोर्ट पे 2-3 दिन से सहूलत कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ये 15 दिन पहले से हो जानी चाहिए थी। कितने अप्रवासी बाहर के विदेशी पर्यटक हमारे भारतवर्ष में आके घूम रहे हैं और उनकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाई। तो वो तो ट्रंप में बिजी थी सरकार तो उस समय। नहीं, ये सब सब्जेक्ट मैं राजनीति विषय में नहीं बात करना चाहूँगा, लेकिन मेडिकल का, देश का, हमारे हर एक व्यवस्था है, कहीं भी कोई भी एक अगर विदेश का अगर प्रधानमंत्री आ गया या राष्ट्रपति आ गया, तो ऐसा नहीं कि हम दूसरे काम सारे नहीं कर सकते। हमारे अंदर भारतवर्ष में सारी क्षमता है, बस सवाल इस बात का है सही समय तो पर। आपने ये विषय उठाया है कि सरकार को प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी, पहले जाना चाहिए था। मैं फिर से लौट के आऊँगा विनय जी के पास। विनय जी, क्या लगता है अब क्या हो सकता है, क्या मेजर लेने चाहिए आपको? मेजर बताइए कुछ लोगों को, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए, सावधानियों में तो ये है कि ये वायरस जिसको है, जो कहीं बाहर कंट्री से आया हमारे देश में, जिसको है, उसके कांटेक्ट में आप ना आएं, एक बात। दूसरी बात, एसी को बंद करें और टेम्परेचर को हाई रखें, एस 32 डिग्री 35 जैसे ही टेम्परेचर आपका है, इस पे कोरोना वायरस सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको पहले कि कोई भी सब्जी बड़ी फसल होती है, बहुत बड़ा, जैसे जीव DNA है उसमें, RNA एक जीन है जो वायरस कर रहा है, तो वैसे सब फसल में हजारों जीन है, लेकिन वो अलग टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर सकता। मशरूम, बिल्कुल, तो कहने का मतलब है कि टेम्परेचर का मशरूम है ना, उसको हर सीजन में आप ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन अगर वही ह्यूमिडिटी कंडीशन आप आज देंगे तो आज ग्रो होगा, कल देंगे तो कल होगा। तो हमारा जो कंट्रास्ट फीचर अभी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वो भारत के फेवर में है। आप AC बंद रखें, कमरे खोल के रखें, फुल एयर और हाई टेम्परेचर में रखें, ये प्रिकॉशंस नहीं है, ये मेजर है। आप क्या कहना चाहेंगे सेवा योगी जी, कैसे करें हम लोग इससे, कैसे निपटें? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी हमारे देश के नेता उन्हें अनाउंस किया कि हम होली पे किसी से गले ना मिलें, किसी से हाथ ना मिलाएं। एक होली हमारा कितना पावन पवित्र त्यौहार है, भाईचारे का, गंगा जमुना तहबीज का त्यौहार है, और उस पे इस तरीके से जो ये वक्तव्य दिए जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए मैं कहता हूँ कि भाई होली पे, एक होली का तो त्यौहार है और उस पे हम एक रंग फीका कर रहे हैं, क्या फीका, रंग फीका हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजनीतिक चालें हैं जिस तरीके से इनको घुमाया फिराया जा रहा है। अरुण जी, होली का त्यौहार आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, प्रिकॉशन भी ज़रूरी है, तो सब में सामंजस्य बैठाने में हिंदुस्तान माहिर है, तो कैसे करेगा इसमें, कैसे तालमेल? देखो, मैं तो ये कहूँगा, जान है तो जहान है। मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार, जैसे आज के डेट में जो मास्क बिक रहे हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो मास्क के बहाने जनता लूट रही है आज जो भी। एक बात मुझे बताइए सर, मास्क सारे लोग कर रहे हैं, क्या मास्क से बच सकते हैं हम कोरोना से? कहीं भी बॉडी पे टच कर गया तो हाथ के जरिए पहुंच जाएगा, मास्क पे भी आ जाएगा, मास्क पे चिपक जाएगा, तो वो जब मास्क उतारेंगे तो वो तो कहीं से भी जा सकता है, ये तो एक तरह का पैनिक है बस। नहीं नहीं, पैनिक नहीं है। ऐड करूंगा, देखिए, मास्क और हैंड ग्लव्स केवल पहन लेना मास्टरी नहीं है, सुरक्षा नहीं है। उसको निकालना, उसको टच करना, उसको डस्टबिन में फेंकने का तरीका ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू मास्क पहन लेना। मास्क पहन के आप ऐसे ऐसे करते रहेंगे, मास्क यूजलेस, मास्क से फिर आप उसी से कान खोल। मैं सब समझ रहा हूँ, आपको टेक्निक नॉलेज ज़्यादा है, मैं क्या कह रहा हूँ, बाजार में जो हो रहा है उधर मैं उठाना चाहता हूँ, ध्यान देना चाहता हूँ। मास्क वो महंगे बिक रहे हैं। हाँ, तो उस चीज़ को देखिए ना कि एक 20 रुपए की चीज़
150 में बिक रही है, 40 रुपए की चीज 800, 500, 900 में, तो इस समय सरकार का क्या रोल है इसमें? इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि काला बाजारी हो रही, सरेआम हो रही है। आप इतनी बातें कर रहे हैं, जिस आदमी को जो टीवी देखता है, टीवी में कोई कुछ कहता है, हर चैनल में कुछ ना कुछ उसके बारे में प्रकाश। मणिकेश जी, आप वो शैडो कैबिनेट के जरिए किस तरीके से इन कालाबाजारी पे रोक लगाएंगे, कैसे आप इन पर अटैक करेंगे? क्या आप पब्लिकली कुछ स्टेटमेंट देना चाहते हैं? क्योंकि आपको हजारों लाखों लोग पसंद करते हैं, तो पब्लिक को आप अपील करिए और इन लोगों से अपील करिए, मुझे लगता है आपकी अपील से लोग समझेंगे। मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सरकारी नेताओं ने महिलाओं के लिए पैड्स निकाले थे और उनको बहुत नॉमिनल रेट पे या फ्री में प्रोवाइड कराए थे, उसी तरीके से जब आज हमारे भारत में अगर कोरोना का वायरस फैल रहा है या फैलने की संभावना है, तो इनको मास्क हर स्टेशन पे, हर जगह पे, हर पब्लिक प्लेस पे इस तरीके से फ्री में बांटने चाहिए या नॉमिनल 5-10 रुपए में बांटने चाहिए, ताकि हर कोई उसको लगा सके। मास्क की सहूलियत होनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, आप क्या कहेंगे मास्क की सहूलियत के साथ ट्रेनिंग के बारे में? क्या कहेंगे, क्या डॉक्टरों को आगे बढ़कर मास्क को पहनने का तरीका बताना चाहिए? देखिए, मास्क की जरूरत सबको नहीं है, उसको है जो पेशेंट का केयर कर रहा है उसके लिए है। अगर कोई गांव है, गांव में कोई बाहरी आदमी नहीं आया, कोई शहरी नहीं आया, तो गांव वाले आए, एंजॉय करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ उड़ के नहीं जा रहा है, भूत प्रेत जैसा वायरस नहीं है। बिल्कुल, कितनी गहरी बात बताइए आप। तो जो गांव है, गांव के लोग ऐस करें, अपने तरीके से जिए, कोई टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है। शहरों में जहाँ भीड़ एकत्रित होती है, बहुत सारे लोग बहुत सारी कंट्री से आते हैं, वहाँ पे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स संभव होगी, वो भी जब उसको होगा तो, आने से जाने से कुछ नहीं होता, अगर उसको वहाँ पे है तो। आप देखिए, ये जो कोरोना वायरस है वो कोल्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा है, और चाइना में फोकस है एक पर्टिकुलर सिटी, दो सिटी के बीच में, वुहान में। ठीक, वुहान, वुहान का टेम्परेचर मैंने आपको बताया 0 से लेके 5 डिग्री के बीच चल रहा है, तो बर्फ़ पड़ रही, जम्मू कश्मीर जैसा टेम्परेचर है। जम्मू कश्मीर की सब्जी क्या उत्तर प्रदेश में उगती है? नहीं। जम्मू कश्मीर के पेड़ क्या उत्तर प्रदेश में दिखते हैं? तो ये वायरस जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो कर रहा है, अभी एज पर रिसर्च और जो आपके डेटास आ रहे हैं, इससे ये नहीं पता लग पा रहा कि वो दूसरे शहरों में बढ़ेगा कि नहीं। इंडिया में कैसा होगा, इसका कोई अभी सिम्टम नहीं मिला है। अंत में मैं एक बार आप सब लोगों से कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूँगा, तो एक एक अपनी बात रखें। पहले मैं आऊँगा हमारे जो हैं शर्मा जी। ये प्रोफेसर साहब की मुझे बात नहीं समझ में आ रही है कि टेम्परेचर को ज़्यादा कर रहे हैं। टेम्परेचर का मतलब क्या? मतलब भारत में सारी सरकार अब कोरोना के बारे में भूल जाए कि वो वुहान में 1 से 5 थी, हमारे यहाँ 25-35 है, हमें सारा कुछ सिस्टम छोड़ देना चाहिए। हमारे जो नहीं, वो हमारे यहाँ जो पेशेंट टेक्निकलिटी बता रहे हैं, हमारे यहाँ जो पेशेंट नहीं, ठीक है वो वहाँ हुआ, लेकिन उसका इफेक्ट हर शहर 53 देशों में हुआ है, 53 देशों में कैजुअलिटी हुई है। क्या वो टेम्परेचर वहाँ नहीं था? ईरान, इराक में तो बहुत टेम्परेचर है। ऐसा है ना, वो जो मरीज जाते हैं जैसे जहाँ से, वो कोरोना से पीड़ित हो गए वही जाके मरे। नहीं, जो कहीं अगर कोई बीमारी आ रही है उसको हल्के से मत लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसी चीज मैं ये कह रहा हूँ, इसमें पर्यावरण का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो हमने पर्यावरण चाइना में वुहान में क्यों हुआ, इन्होंने मांस भक्षण करके वहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ दिया। जो मांस नहीं खाना चाहिए था वो भी खाया, इसलिए ये आज उनको दंड भुगतना पड़ रहा है। आप क्या कहेंगे, फिर मैं लास्ट में मणिकेश जी के पास आऊँगा। मैं जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें यही कहूँगा कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जो इंडिया की इस समय है और जो आने वाले समय में होने वाली, उसमें इंडिया क्वाइट सेफ रहेगी, चाहे कितना भी भयानक इस वायरस का प्रकोप चाइना में हो रहा हो। ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। ठीक है, दूसरी बात, वायरस नया है और इसका किस तरीके का वायलेंट इफेक्ट होगा पूरी दुनिया में, कंट्री कई पार्ट में डिवाइडेड है क्लाइमेटिक कंडीशन के, किस क्लाइमेट कंडीशन में ये वायरस, अब क्या हम हमेशा वायरस भी, मैं एक छोटी सी बात, एक मैं क्वेश्चन रेज करना चाहता हूँ। वायरस भी अपनी स्थिति बदलते रहते हैं क्लाइमेट कंडीशन के। आरएनए वायरस है, बहुत तेजी से म्यूटेशन बदल लेता है, और इसमें वैक्सीन डेवलपमेंट की बहुत तेजी से चांस नहीं है। ये नेचुरली डीएनए में होता है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है 126 से ज्यादा टाइप के जुकाम है, एक हो गया तो वो दोबारा आपको नहीं होगा, आपको जरूरत है 20 दिन आपने बचा लिया, आपकी बॉडी इसके खिलाफ खुद ही। मणिकेश जी, आप क्या संदेश करना चाहेंगे लास्ट में? मैं तो ये संदेश
एक्सप्रेस करना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये हवाबाजी करते हैं, जिस तरीके से मीडिया इसको इतना हाईलाइट कर देती है, और क्या कोई और अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश है? नहीं, और मुद्दों से ध्यान भटकाने की भी साजिश है, और दूसरे एक अवेयरनेस प्रॉपर नहीं दी जाती है। जैसा कि अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप गाँव में चले जाइए, और गाँव में अगर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया या कोरोना वायरस का मरीज कोई नहीं आया है तो वहाँ उनको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो डॉक्टर हैं, जो हमारे बुद्ध जी मास्क पहनना, जो हमारे नेता है, वो इन चीजों को क्यों नहीं बताते? और देखिए, मास्क पहनते भी हैं लोग तो उनको पहनने का सलीका नहीं है या तरीका नहीं है, कालाबाजारी हो रही है मास्क की। र्यूमर भी है, लेकिन प्रिकॉशन भी चाहिए, मिक्स है सब कुछ, संतुलन चाहिए हर चीज का। ना ज्यादा अफवाह फैलाएं, ना ज़्यादा उसके बारे में करें। अगर कुछ आप, मुझे लगता है कि शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं अंत में, तो अपनी बात पूरी करें, उसके बाद हम लोग क्लोज करते हैं। आज का डिबेट यहीं तक रहेगा। हमारे समाज में इस समय मास्क को लेकर एक बड़ी बात फैली हुई है कि जितना N95 या जितना महंगा मास्क उतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है या उससे बहुत, ऐसी कोई बात नहीं। मास्क इसमें सिंपल जो 3 परत का हो और जो शाम को डिस्पोजेबल हो, आप उसके अगर आपके पास बैक्टीरिया आया मास्क ने रोका, मास्क ने, तो आप उसको डस्टबिन में डालिए या कहीं इसको जला दीजिए। ये नहीं, अगर आप महंगा मास्क पहनेंगे तो बैक्टीरिया तो अपने ऊपर ही रखे रहेंगे भाई, मुंह में जाने से रोक लेगा बैक्टीरिया, मास्क के ऊपर तो जम जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए मैं सभी भाइयों से कहते हैं, सस्ता और या तो अपने घर में बना के 3 परत का कपड़ा उसको यूज़ करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इसी के साथ आज मिनी संसद के मंच से इस विषय पर लाइव था। जय हिंद, जय भारत।